गाइस पापा ने नया फोन गिफ्ट किया है सैमसंग A71 चार्जिंग पे लगा के फिर बाद में तिंदल इंस्टॉल करेंगे। गाइस फोन चार्ज हो चुका है, तिंदल डाउनलोड कर लिया है। क्या कर रहे हो? ओ पापा ने सुन लिया। अश पापा सॉरी 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 आपको। सो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और अभी जो आपने वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों के साथ वो सारी चीज़ें हुई होगी। और मुझे पता है बहुत सारे लोग प्राइवेट कंटेंट्स देखते रहते हैं, प्राइवेट चैट्स होते हैं या फिर डेटिंग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, और तभी फैमिली मेंबर में से डैड मॉम आके बोलते हैं यार फ़ोन दे, एक मिनट कॉल करना है, मेरा रेंज नहीं है। और एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है कि कैसे मैं मेरा फ़ोन दूँ यार, मैं तो कुछ प्राइवेट चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ। या फिर अगर आप कोई भी चैट वगैरह देख रहे हैं, आपके दोस्त इमीडिएटली आपका फ़ोन छीन लेते हैं या फिर मांग लेते हैं, अरे नहीं नहीं चाहिए करके, और वो सिचुएशन में आप कैसे दे सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है जो आप कर रहे हो वहाँ पे। सो इसके लिए सैमसंग ने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बढ़िया अपडेट लेके आया है जिसका नाम है ऑल जी। और यहाँ पे मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A71 और यहाँ पे हेजल क्रश सिल्वर कलर आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन कलर यहाँ पे सैमसंग ने लॉन्च किया है इसके लिए। और इसी में आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स देखने मिलते हैं जैसे ऑल जी, जैसे मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा उस फीचर के बारे में कि कैसे आप उसे सेटअप कर सकते हो और कैसे उसे यूज़ कर सकते हो और किस हद तक आपका पर्सनल लाइफ आप सिक्योर रख सकते हो। सो गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी फोल्डर एक्सेस करने के लिए बस आपको यहाँ पे स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योर फोल्डर है, बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। हालांकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर सिक्योर फोल्डर जो है क्रिएट किया था, सो डबल टैप करता हूँ और यहाँ पे सिक्योर फोल्डर मैंने ऑलरेडी सिक्योर कर दिया है मेरे फिंगरप्रिंट से। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कई सारे एप्लीकेशंस देखने मिलेंगे जो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, और इसमें टेंडर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सारे एप्लीकेशन से। सो सबसे पहले मैं डेमो देना चाहता हूँ यूट्यूब का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, और गाइस अगर मुझे अभी ये वीडियो चेंज करना है तो बस मुझे डबल टैप करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे जो वीडियो है चेंज हो चुकी है और यहाँ पे सदगुरु जी के वीडियोस हम देख रहे हैं। सो गाइस ये काफ़ी बढ़िया प्राइवेट सिक्योरिटी है। और अगर मैं वापस डबल टैप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे जो सिक्योर फोल्डर में जाने के लिए मेरे फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब तक मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकता। आप यहाँ पे देख सकते हो वापस मैं प्ले करता हूँ, वापस मैं डबल टैप करता हूँ और वापस आप देख सकते हो यहाँ पे जो सदगुरु जी के वीडियोज़ हैं टर्न ऑन हो चुके हैं। और वापस हम जाते हैं सिक्योर फोल्डर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास फेसबुक भी है, तो यहाँ पे फेसबुक मैं टर्न ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे हालांकि मैंने लॉगिन नहीं किया है, क्रिएट नहीं अकाउंट किया है, और मान के चलो यहाँ पे मेरा प्राइवेट अकाउंट है और बस मैं डबल टैप करूँगा कोई फ़ोन मांगता है तो। और यहाँ पे जो मेरा रेगुलर फेसबुक पेज है वो ओपन हो चुका है। और कुछ इसी तरीके से आप इसका सिक्योर फोल्डर यूज़ कर सकते हो। और अगर किसी को पता है सिक्योर फोल्डर के बारे में, अगर वो डबल टैप कर रहा है तो उसे फिंगरप्रिंट एक्सेस देना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हो यहाँ पे लॉक टाइप मैंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह सेट किया है, जो भी सारी चीज़ें हैं। फिर बाद में शो आइकन ऑन द ऐप स्क्रीन का है, स्विच एप्लीकेशन से है, मतलब बेसिकली अगर आप जाते हो क्विक स्विच में तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइड की है उसे आपको सेटअप करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग मेन्यूज आपको देखने मिलते हैं सेटअप करने के लिए साइड की के। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सेटअप कर दिया, और हर टाइम जब भी मैं सिक्योर फोल्डर में जाता हूँ यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे कैमरा की बात करूँ तो कैमरा में आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस क्लिक कर रहा हूँ, और ये सारे इमेजेस मैंने यहाँ पे क्लिक किए हैं। और अगर मैं नॉर्मल गैलरी में जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल गैलरी में मुझे वो सारे इमेजेस डिस्प्ले नहीं हो रहे, बट मैं यहाँ पे अगर सिक्योर फोल्डर में जाता हूँ और इसके गैलरी में जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वो सारे इमेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। तो कुछ इसी तरीके से आप इस सिक्योर फोल्डर की हेल्प से आपकी सारी चीज़ें सिक्योर्ड रख सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे मेन्यू में सिक्योरिटी फोल्डर ना दिखे, तो बस आपको नोटिफिकेशन पैनल में जाके इसे टर्न ऑफ करना है, एंड दैट्स इट। फिर यहाँ से भी आपका जो सिक्योर फोल्डर है वो गायब हो जाएगा, और हर टाइम जब भी आप चेंजेस करते हो आपको फिंगरप्रिंट एक्सेस देने की यहाँ पे ज़रूरत है। सो सिक्योर फोल्डर की हेल्प से कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे टेंडर भी है। सो टेंडर मेरे सिर्फ सिक्योर फोल्डर में, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी टेंडर एप्लीकेशन आपको देखने नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैं सिक्योर फोल्डर में जाता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने टेंडर ओपन कर दिया है, तो अभी मैंने कुछ साइनअप वाइनअप तो किया नहीं है, और इमिडिएटली किसी ने मेरे से फ़ोन मांगा तो बस डबल टैप करना है, और यहाँ पे नॉर्मल फ़ोन है भाई, एक्सेस कर लो जो भी चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि आपको इसमें टेंडर नहीं मिलने वाला है।
और इसके लिए आपको एक कंटेंट सजेशन का भी एप्लीकेशन देखने मिलता है, जिसमें आपको सजेशंस आ जाते हैं कि कौन से इमेजेस आपको यहाँ पे प्राइवेट करने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस सिलेक्शन करने हैं, तो ऑल इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो ये सारे मेरे प्राइवेट इमेजेस हैं, तो यहाँ पे मेरे कुछ दोस्तों के इमेजेस हैं, तो उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ। तो ये बेसिकली जो फाइल है उसे कॉपी करना है या मूव करना है, तो मैं मूव करूँगा। तो यहाँ पे नॉर्मल गैलरी में वो फोटो विजिबल नहीं होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फोटो था अब भी ही जस्ट गायब हो चुका है यहाँ से। और बस मैं डबल टैप करता हूँ और सिक्योर फोल्डर में हम लोग चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिक्योर फोल्डर है वहाँ पे वो इमेज काफ़ी बढ़िया तरीके से आ चुके हैं। सो कुछ इस तरीके से आप डबल टैप की हेल्प से सिक्योरिटी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। और किसी को इस डबल टैप के बारे में पता है फिर भी उसे एक्सेस करने के लिए आपका फिंगरप्रिंट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। सो जैसे आपने देखा उस ऑल्ट जी सिक्योरिटी फीचर का, गाइस काफ़ी सुपर फीचर है जिसके लिए हम लोग बहुत सालों से तरस रहे थे, और फाइनली सैमसंग ने यहाँ पे निकाला है, उस फीचर को लॉन्च किया है। और ये फीचर यार थोड़ा साल पहले लॉन्च किए होते हैं, बट खैर कोई बात नहीं, सैमसंग ने अभी तो इसे लॉन्च किया है। और गाइस एक प्राइवेट लाइफ एक ऑलमोस्ट अलग फ़ोन बन जाता है आपका डबल टैप पे, और कोई भी भाई आपका फ़ोन एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर उसका डबल टैप का फीचर भी पता है। जैसे ही डबल टैप करेगा फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का ऑप्शन या फिर जो भी पिन आपने रखा है वो सारी चीज़ें वहाँ पे पूछने वाला है। सो डोंट वरी गाइस, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सिक्योर ये फीचर है, और बहुत टाइम से सैमसंग इसके ऊपर वर्क कर रहा था। सो गाइज बस यही था आज का ये सिक्योरिटी अपडेट रिगार्डिंग वीडियो ऑल जी का, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये कलर भी पसंद आया होगा सैमसंग गैलेक्सी A71 का। और A सीरीज में A71 A51 में उन्होंने काफ़ी बढ़िया सिक्योरिटी अपडेट्स लॉन्च किए। सो इन दोनों भी फोन्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए परचेज कीजिए और एंजॉय कीजिए आपका ये सिक्योरिटी अपडेट। एंड गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।